नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कांग्रेस के सदाकत आश्रम में थे। दरअसल कांग्रेस के दही चूड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे थे। दही चूड़ा खाने से पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही दही चूड़ा भोज खत्म हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव दहाड़े हैं और सीएम नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। एनआरसी और सीएए को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर्वसम्मति से हम लोग पास कर देते हैं, जिस प्रकार से केरला की गवर्नमेंट ने किया है। जब एनपीआर हो ही जाए, जो कि पहला स्टेप है एनआरसी का, तो आप समझिए कि आप एनआरसी को तो रोक नहीं पाओ। तो उनके मन में तो छल कपट है ही, मामले को टालना था टाला उन्होंने, लेकिन कितने दिनों तक टालेंगे। बिहार की जनता और आवाम देख रही है कि किस प्रकार से पहली ऐसी पार्टी है और पहले ऐसे नेता है नीतीश कुमार जी, जो कि पार्टी का ही जो संविधान है उसको वो नहीं मानते। हम तो चाहेंगे कि उनके पार्टी में जितने लोग हैं पहले अपने पार्टी का संविधान देख लें, उस पार्टी के संविधान में क्या लिखा है। और जो कहा करते थे कि हम 370 से ट्रिपल तलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ ही किया पूरी तरीके से। 19 तारीख को यही राजनीति है। अब तो ये डर और लालच यही दो कारण है। मानव श्रृंखला को तो लेकर के हमारी पहली राय ये थी कि अगर मानव श्रृंखला बनाई जाती तो बेरोजगारी को लेकर के बनाई जाती है। और आपने पटना ही नहीं बल्कि बिहार के कई रेलवे स्टेशनों के हालात देखे होंगे, जिस प्रकार से सिपाही भर्ती में हमारे नौजवान किस प्रकार से ट्रेनों के ऊपर स्टेशन में लाखों की तादाद में लोग जो है, यह दिखाता है कि बिहार जो है वो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और सरकार को कोई परवाह नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं था। तो ये नौजवान जो है, जो MBA का डिग्री लिए हुए हैं, BTech का डिग्री लिए हुए हैं, वो विधानसभा के नौकरियों में चपरासी में भरने का काम कर रहे हैं। अगर मानव श्रृंखला बनाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कि बेरोजगारी को लेकर के बना। अमित शाह जी आ रहे हैं CAO को लेकर, अमित शाह जी आ रहे हैं कल वैशाली। क्या लगता है सर, ये यात्रा क्या रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर विरोध का एक बात समझ लीजिए, बिहार गौतम बुद्ध की धरती रही, जहाँ पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी है। और बिहार को कई बार कोशिश किया गया कि यहाँ आकर के नफ़रत की खेती करें, जहर बोने की खेती करें, भाई को भाई से लड़ाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने हमेशा इसको नकारने का काम किया है। और इस बार भी आने वाले समय में जिन लोगों ने धोखेबाजी की है उनके साथ, जिसका वोट लेकर के वो आज मुख्यमंत्री बने हैं, सत्ता में है, जनादेश का जो अपमान किया है, उनको बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता न्यायप्रिय जनता है, धर्मनिरपेक्ष जनता है, अमन चैन शांति में विश्वास रखने वाली है। अमित शाह जी अगर आ रहे हैं तो उनको बताना भी चाहिए कि कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हो आप। एक बात समझ लीजिए, प्रोफेशनल लोग क्या करेंगे इस पे हम लोगों को बार बार टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। तो आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी के ही संविधान को नहीं मानते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि प्रशांत किशोर, जो कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बातें लिख दी थी कि जदयू के संविधान में नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष की जब बात की जाती है संविधान में तो फिर ऐसा कोई भी जाति धर्म को लेकर के किसी भी फैसले का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से अब तेजस्वी यादव हमलावर हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी यानी कि जदयू के संविधान को नहीं मानते। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।